जस्टिस पीसी घोष भारत के पहले लोकपाल होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन है, फिलहाल क्या है और उन्हें ये पद क्यों मिला है? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पीसी घोष के बारे में करूंगा। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। वे रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। उससे पहले वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट में भी जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस पीसी घोष का जन्म 28 मई साल 1952 को कोलकाता के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शंभू चंद्र घोष के घर पर हुआ था। कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से कॉमर्स में स्नातक किया, लेकिन इसके बाद LLB की। इसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट व आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से होते हुए वे 8 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यहां से वे 27 मई साल 2017 को रिटायर हुए। जस्टिस पीसी घोष का परिवार विधि के क्षेत्र में 5 पीढ़ियों से कार्यरत है। वह अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी में इसी क्षेत्र में आए। इससे पहले उनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वहीं उनका मूल देवन बनारसी घोष के घर से है। साल 1857 में पहली भारतीय सदर दीवानी अदालत में इन्हीं के घर से हरचंद्र घोष पहले भारतीय मुख्य जज बने थे। जस्टिस पीसी घोष को कड़ी फैसलों के लिए जाना जाता है। हाल ही में वे तब चर्चा में आए थे जब बाबरी मस्जिद केस में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन पर केस चलाने का आदेश दिया था। मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत 13 भाजपा नेताओं पर विवादित ढांचा गिराने की साजिश का केस चलाने का आदेश पीसी घोष और रोहिंटन नरीमन की पीठ ने ही दिया था। यही नहीं, मामले के जल्दी निपटारे के लिए जस्टिस पीसी घोष ने अयोध्या मामले में रोज सुनवाई का आदेश दिया था। इसके अलावा जस्टिस पीसी घोष ने सरेंडर करने के लिए ज्यादा वक्त मांगने पर शशिकला की अपील ठुकरा दी थी। बतौर मानवाधिकार आयोग सदस्य उन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से होने वाले पलायन को लेकर वहां की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया था। इससे पहले भी चाहे NDMC का मामला हो या फिर सतलुज यमुना लिंक नहर का मामला, जस्टिस पीसी घोष के फैसलों को कड़े फैसलों में गिना जाता है। भारतीय लोकपाल के पास भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, सरकारी कर्मचारियों व सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर उनकी जांच कराने का अधिकार होता है। यह किसी मामले में सीधे किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत CBI तक को जांच सौंप सकते हैं। जानकारी थी जस्टिस पीसी घोष यानी कि भारत के पहले लोकपाल के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। कुछ और जानना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, टॉपिक लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे जरूरी बात, बेल आइकन जरूर दबाइए।